दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके उसके बाद 16.9 पर क्लिक करके क्रिएटर पर क्लिक कर देंगे। कर देने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेंगे, यहाँ से फोटो कॉपी एनजी ये वाला लेने के बाद इसको रोटेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको इस तरफ कर लेंगे। कर देने के बाद यहाँ सब देख सकते हैं, लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से इमेज एक्सेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वाइट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। कर देने के बाद यहाँ से क्रॉपिंग पर जाएंगे, मास्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। कर देने के बाद यहाँ से इसको इस तरफ कर लेंगे। कर देने के बाद थोड़ा इसको 20 रख लेंगे। 20 रखने के बाद यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। इसको बड़ा करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, ऐसे खींच के। बड़ा करने के बाद यहाँ से इस साइड पे लगा देंगे। इसको लगाने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको एक और यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे इस साइड पे लगाने के बाद यहाँ से लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से लेयर के वीडियो ले लेंगे वाला। लेने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग पे जाएंगे और लर्न बर्न पर क्लिक करेंगे। लाइन बर्न पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ से लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे। यहाँ से एक टेम्पलेट लगा लेंगे, कोई भी एक टेम्पलेट लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए मैं एक टेम्पलेट लगाता हूँ। यहाँ से ब्लेंडिंग पे जाकर और स्किन कर लेंगे। स्किन करने के बाद यहाँ से इसको फुल स्किन कर लेंगे। स्किन करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं एडजस्टमेंट।